मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिला सुरक्षा हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शामिल हुए। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, रायसेन कलेक्टर एस प्रिया मिश्रा और रायसेन SP मोनिका शुक्ला ने महिला सुरक्षा हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। इस दौरान रायसेन SP ने बताया कि जिले के स्कूल और कॉलेज में महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा के लिए शिकायत पेटी लगेगी। इस शिकायत पेटी की चाबी महिला अफसर के पास होगी, वह प्रतिदिन इस शिकायत पेटी को खोल कर देखेंगी। जो भी शिकायतें आएंगी उसका निस्तारण तुरंत किया जाएगा। वहीं SP मोनिका शुक्ला ने बताया कि महिला सुरक्षा हेल्पलाइन के मोबाइल नंबर 7587634300 पर महिलाएं एवं बच्चियां फोन कर मदद के लिए बुला सकती हैं। इस मोबाइल नंबर पर फोन आते ही आपके द्वारा बताई गई जगह पर जहां कहीं भी परेशानी में कोई लड़की या बच्ची को है तो तत्काल पुलिस वहां पहुंचेगी और उसकी मदद की जाएगी। रायसेन कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे को स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा शिकायत पेटी दी गई। जिले के सभी स्कूल कॉलेज में सोमवार तक यह पेटी लगा दी जाएगी। वहीं हेल्पलाइन के प्रचार के लिए पंपलेट का विमोचन भी किया गया। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इस पहल को बहुत अच्छी पहल बताया। इससे बच्चियों और महिलाओं को हिम्मत मिलेगी और वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। अब जो आप समय अवधि पूछ रहे हैं वो शिकायत का प्रकार है। यदि वो बच्ची कहती है या कोई कहता है कि साहब इस जगह असामाजिक तत्व खड़े हुए हैं, तो नज़दीकी पुलिस जितने समय में वहाँ उपलब्धता के हिसाब से पहुँच सकती है वो समय लेगी। और यदि कोई जांच का विषय है तो जो जांच का विषय में समय लगेगा। हमारी कोशिश है, हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उसमें जो जल्दी से जल्दी हम कार्रवाई कर सकें। अत्याचार या लोगों बच्चियों के प्रति जो असुरक्षा की भावना होती है वो भी एक दूर होगी, उनका एक मनोबल भी बढ़ेगा और जो मनचले लोग हैं जो जिस तरीके के उनके गलत धारणा रहती है उनमें भी एक भय व्याप्त होगा कि पुलिस पूरी तरह से चुस्त दुस्त है और पूरी नज़र है इस बात की कि कहाँ कौन क्या कर रहा है। और कोई भी व्यक्ति अगर सामने नहीं आ रहा है तो हमारे पीछे से भी वो जानकारी उपलब्ध फ़ोन के माध्यम से या शिकायत पेटी है उसके माध्यम से पुलिस तक पहुँचेगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत